गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द चैनल। और सुबह के बज गए हैं अभी 5 और मैं जा रहा हूँ अभी टोक्यो की तरफ। और सुबह सुबह निकल गया हूँ यार, रात को सोया था 12 बजे और 4:30 बजे उठ गया क्योंकि ज़रूरी काम था। और जैसे आप देख सकते हो, साइकिल लेके मैं पैदल चल रहा हूँ। तो कल रात को जब मैं आ रहा था ड्यूटी से तो मेरी साइकिल पंचर हो गई यार। और साइकिल पंचर होना ना सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क लगता है मुझे यहाँ पर, क्योंकि आपको पंचर के लिए ना जगह जगह शॉप्स नहीं मिलती हैं। पंचर है, ट्यूब फट गई है, उसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि मैं बता नहीं सकता। तो साइकिल पैदल लेके जा रहा हूँ, घर से कम 2 किलोमीटर है मेरे स्टेशन, तो इसे स्टेशन पे खड़े करूँगा। स्टेशन के आसपास शॉप्स होती हैं, कभी मैंने कराया तो नहीं है वहाँ से, तो किसी ने बताया कि उधर शॉप है तो आके ढूँढूँगा, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। मैं जब वापस आऊँगा तो 12-1 बज जाएंगे और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो साइकिल लेके पैदल चलना और ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ टोक्यो, तो आज मैं जा रहा हूँ टोक्यो इमिग्रेशन अपना वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। तो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जा रहा हूँ, तो आप लोग जो भी लोग हैं वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जो जाते हैं, वही कोशिश करना कि सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाओ। 8:30 बजे से वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है स्टाफ आना, क्योंकि आप 8:30 बजे वहाँ पर इतनी लंबी लाइन होगी कि आपको घुसते घुसते काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट आप कोशिश करो कि 8 बजे से पहले वहाँ पर 7:30-8 बजे से पहले आप पहुँच जाओगे इमिग्रेशन के बाहर, तो आपको लाइन भी ज़्यादा लंबी नहीं मिलेगी और बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जितने भी लोग इमिग्रेशन जाते हैं तो कोशिश करें कि सुबह घर से 5:30-6 बजे निकल जाएँ और 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ, तो 11 बजे तक फ्री हो जाएंगे। और बहुत भीड़ होती है यार इमिग्रेशन के अंदर की, वीडियोस तो नहीं बना पाऊँगा, फिर आपको जो भी है दिखाऊँगा, जो भी दिखा सकता हूँ कोशिश करूँगा दिखाने की, क्योंकि इमिग्रेशन के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो जा रहा हूँ, बाकी जो भाई हैं सबका जितने भी स्टेटस वीज़ा स्टेटस है सबका अलग अलग जारी करता है तरीका है वीज़ा का। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वकील के थ्रू कराते हैं, कुछ लोग खुद से करते हैं, तो मैं हमेशा से खुद से अप्लाई करता हूँ, ठीक है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो जब आप आओगे या आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा किस वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, तो आप पूछ सकते हो। तो इमिग्रेशन जा रहा हूँ और जैसा भी रहेगा आपको दिखाता रहूँगा, और चलते हैं और व्लॉग में बने रहिए गाइस। और सुबह सुबह का व्यू कुछ ऐसा है, और भाई सही बता रहा हूँ, सुबह 5 बजे भी गर्मी लग रही है अभी, टेम्परेचर मैंने देखा नहीं है कितना है। और आप साइकिल लगा देता हूँ अपनी स्टैंड पे, तो यहाँ से ले जाने में यार आसानी होगी बाद में। 68 भी लगा देता हूँ। ओके, गो बेबी गो गो गो, साइकिल हो गई लॉक 68 पे। तो जब आऊँगा तो यहाँ से मुझे पैसे डालने पड़ेंगे और वो मैं बताऊँगा आने के बाद, ये भी कवर हो जाएगा। बहुत सारे भाई फंस जाते, मैं भी फंस जाता था कई बार ये सब करने में, फिर किसी जापानी को पकड़ के पूछता था कि मेरी साइकिल कैसे निकालनी है प्लीज़ बता दो, जब मैं नया नया आया था। तो फिलहाल चलते हैं, सुबह का मौसम देख लो आप कैसा है। सुबह सुबह ही भाई साहब काफ़ी गर्मी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जब सवा देखो टाइम 5:20 हुए हैं, जब इस समय इतनी गर्मी है, तो जब मैं लौट के आऊँगा और साइकिल लेके मुझे पैदल चलना पड़ेगा तो कितनी गर्मी होगी यार, हालत ख़राब हो जाएगी भाई। थोड़ा मोटा हो गया हूँ यार मुझे लग रहा है, कोई नहीं, मोटा पतला तो चलता रहता है। ये आ गया स्टेशन, यहाँ से लूँगा ट्रेन। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं अभी सिनेगावा। सिनेगावा है टोक्यो के पास, तो मैं रहता हूं साइतामा में। साइतामा में भी मैं जा सकता था, ओमिया में है, हर प्रोफेक्चर का अलग अलग होता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, तो आप कहीं भी जा सकते हो। बट मैं सिनेगावा आता हूं। स्टार्टिंग से पहले मैं टोक्यो में रहता तो मेरा सिनेगावा लगता था, बट सिनेगावा मैंने एक चीज़ नोट करी है कि यहाँ पर ना बहुत जल्दी आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है और बहुत जल्दी वीज़ा भी आया था। मैंने इससे पहले ओमिया में भी करा हुआ है एक बार, तो ओमिया में मेरा वीज़ा आने में काफ़ी टाइम लग गया था, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ बार बार, और यहाँ से लूँगा मैं बस और बस के बाद इमिग्रेशन पहुँच जाऊँगा।
तो भाई मेरा हो गया है डॉक्यूमेंटेशन पूरा और ये फाइल है, मेरे को नंबर मिल गया, 39 नंबर आया है मेरा भाई। काफ़ी लोग थे सुबह सुबह, वो आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि यार एकदम से बस से निकलते ही बस भागा और यहाँ ऐसा कुछ भी हुआ, यहाँ बना नहीं सकता बट मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा दिखाने की आपको। फाइनली मेरी हो गई है एप्लीकेशन सबमिट। अब देखो एक महीने के अंदर अंदर वीज़ा आ जाएगा, एक्सटेंशन होके आ जाएगी, एप्लीकेशन जब हो जाएगी ओके तो मैसेज आ जाएगा, घर से आ जाएगा लेटर और देने आएंगे। भाई फाइनली मेरा हो गया है काम पूरा, मैंने अपनी एप्लीकेशन फिल कर दी और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो एक महीने के अंदर अंदर आ जाएगा लेटर घर पे, तो उसके बाद फिर वीज़ा लेने आएंगे। तो सारा काम ठीक से हो गया यार, जो डॉक्यूमेंटेशन है हर वीज़ा की अलग अलग है, किसको पूछना होगा तो आप मुझे बता देना, जिसकी वीज़ा है जो वीज़ा है उस हिसाब से बता दूँगा। डॉक्यूमेंटेशन अंदर सूट नहीं करने देते हैं, लेकिन बिल्कुल वीडियो वगैरह बनाने अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर का तो कुछ दिखा नहीं पाया, बट कोशिश करी थोड़ा बहुत करने की। तो चलो ब्लॉग में बने रहो, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, धूप बहुत तगड़ी वाली हो रही है और मेरे पीछे इमिग्रेशन ऑफिसर, निकलते हैं यहाँ से और फिर जल्दी से मिलते हैं, मैं बस ले लूँ उसके बाद। चैनल गाइस, तो वेनसडे को मैं अपना ब्लॉग कम नहीं कर पाया था कंटिन्यू, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था साइकिल मेरी पंचर थी, तो उसके बाद साइकिल लेके मैं 3 घंटे भाई यहाँ वहाँ दुकानों के लिए घूमा, और उस दिन दिक्कत ये थी कि वेनसडे को सारी की सारी जो शॉप्स थी ना वो बंद थी, तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाया वीडियो। मौसम दिखाता हूँ थोड़ा आपको, तो यार वीडियो बना नहीं पाया, मौसम देख लो बहुत सही हो रखा है, शाम के 4 बज रहे हैं, और उस दिन हो गया था यार, मैंने जैसे बताया था मेरा वीज़ा भी हो गया था अप्लाई और मैं आ गया था टाइम से घर, उसके बाद साइकिल लेके 3-4 घंटे घूमा तो थक गया, रात को 11 बजे सो के उठा। तो अभी थोड़ा मैं खोल के दिखा सकता हूँ भाई, ये देखो भाई 200 से ऊपर वीडियो पड़ी हैं, देख लो ये व्यू है और ऊपर पूरा क्लाउडी है, तो अंधेरा हो रखा है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आ रही होगी। और जा रहे हैं थोड़ा सा मॉल घूमेंगे, देखते हैं और आपको दिखाएंगे जो भी है, तो ब्लॉग में बने रहो, ज़्यादा रोड नहीं दिखाता, आप चलते हैं मिलते हैं वहाँ पर ही। तो यार वहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग आए अभी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना के लिए, खाना खाने के लिए, तो हम अक्सर यहीं पर खाना खाने के लिए आते हैं, और पंडित जी मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, वो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि पीछे इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग चल रहे थे, तो यार उसकी वजह से काफ़ी शोर हो रखा था, इसलिए मैं ज़्यादा वो उसको नहीं कर पाया, क्योंकि इसलिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है बाद में, तो वो काफ़ी शोर हो रखा था, हनी सिंह के गाने चल रखे थे, और ये हमारे सारे पहाड़ी भाई हैं, हम यहीं पर अक्सर आते हैं खाना खाने के लिए, और ये सारे उत्तराखंड से हमारे भाई हैं, तो इनके पास आते एक तो अपनापन फील होता है, दूसरा जैसा भी खाना बोलो आप, जैसा भी आप चाहो तो ये बना देते हैं भाई लोग, अक्सर यहीं पर आते हैं, और ये है कुछ ऐसा रेस्टोरेंट दिखने में अच्छा, खाना भी अच्छा, अभी जो भी आपको दिखाएंगे बताएंगे। देखो अभी क्या अभी यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है, तो कर दिया हमने, कैसा मजा आता है कौन जाने, और आप लोग दिखाते हैं तो अच्छा, देखो यहाँ का एम्बियंस ऐसा दिखता है, और ये है हिकासी मार्चियाने, यहाँ पर सामने इंडियन गाने चलते हैं, जितने भी आपका होटल्स हैं उनके अंदर ये रेस्टोरेंट है, इसका नाम है धतार, और आप जा सकते हो ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, 50-60 कवर का रेस्टोरेंट है, और इन्जॉय करो आप लोग। गाइस ये जो प्रोफाइल है इसको ध्यान से देख लो आप, ये नाम भी देख लो ध्यान से, ये फेसबुक पे भी और टिकटॉक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से एक्टिव है, ये लेडीज़ कुछ नहीं है, स्कैमर है, ठीक है, स्कैम कुछ नहीं, आपसे पैसे की हेल्प मांगेगी, कोशिश करना, ये इसकी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये सब बातें, ठीक है, कितने इसने मुझे कॉल करे मैसेज करे और इसने मुझसे पैसे मांगे, फिर इसने अपने बच्चों को बोला मुझे 2 दिन से मैंने बच्चों ने कुछ खाना नहीं खाया, तो इसको ठीक है मैंने पैसे भी दिए, तो आप कोशिश करना कि यार इस और इससे थोड़ा बच के रहना। ये देख लो इसकी प्रोफाइल पिक्चर भी दिखाता हूँ थोड़ी बड़ी करके, ये इसकी प्रोफाइल पिक्चर देख लो, तो भाई सावधान रहना और इसके चक्कर में मत आना ना, ये स्कैमर है और कुछ नहीं है। तो भाई हमारा आ गया खाना, ये मंगवाया मैंने साग और साग पनीर, और ये आलू गोभी की सब्ज़ी जो हमारे घर में ही बनती है भंडारे वगैरह वाली, और रोटी मंगवाई है, तो पहले स्टार्ट कर दिया फिर याद आया मैं व्लॉगिंग कर रहा था, तो यार ये है बहुत अच्छा टेस्ट है, तो आप जब भी आओगे तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो खाना, और गासी मासमा स्टेशन के पास यही है, आप होटल के ग्राउंड फ्लोर पे अंदर तो आप आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो अपना यहाँ पर फूड, बहुत अच्छा ऑथेंटिक इंडियन खाना मिलेगा आपको। यार 1 2 3 4 बोलो बोलो, ठीक है 4 चलते,
भाई वो उसका नंबर लेके जाओ, मेरे पास तो नहीं होगा, मेरे लेना पड़ेगा नंबर लगा तो है ना उसी नेपाल जाएगा वो तो फटक से नहीं तो मैं बहुत बिजी है भाई। अच्छा बहुत ज्यादा बिजी। क्या भाव है, क्या भाव है? पहले बुक करोगे तो 5,000 लेगा और बाद में वही टाइम में करोगे तो 7,000 लेगा। तो पहले करेंगे 7,000 कुछ रुपए लेगा। नंबर दे दो आप। नंबर तो मैं उससे लेके तुमको दे देगा, आप मुझे भेज दो या अशोक भाई को किसी को। ब्लॉग मैंने इसीलिए अभी कंटिन्यू करा था कि आपको लास्ट में बता दूं कि देखो वीज़ा का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। जब कुछ लोग क्या कराते हैं, वकील के थ्रू वीज़ा कराते हैं। वकील के थ्रू क्या लगता है कि कुछ पैसे लगते हैं, वीज़ा फीस के प्रोसेस के पैसे लगते हैं, जैसे 30,000 yen, 40,000 yen, 50,000 yen अलग अलग वकील लेते हैं। कम से कम 50,000 से 60,000 yen आप मान के चलो जो वकील प्रोसेस करता था। उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, वो आपको CXO से टैक्स के लेटर मिलते हैं, जो आप टैक्स पेड करते हो वहाँ से एक पेपर मिलता है, जो आप जॉब करते हो कंपनी से पेपर मिलता है आपको, तो सारे के सारे अपनी फ़ोटो आपकी जो अपनी फ़ोटोग्राफ्स होती है आपको वो लेटेस्ट फोटोग्राफ वगैरह वो सब वकील को देना होता है। तो वकील सारा काम कर देता है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम कुछ टेंशन नहीं चाहते हो या भागना दौड़ना नहीं चाहते हो गर्मी में, तो आप वकील के थ्रू करवा सकते हो और कोई भी दिक्कत नहीं है। वकील आपको जिस दिन आपका आ जाएगा कार्ड आ जाएगा उस दिन वो आपको खुद दे देगा ला के, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये तरीका होता है। और मैं क्या, मैं वकील के थ्रू नहीं कराता, मैं करता हूँ सारा का सारा प्रोसेस खुद। ठीक है, एक तो सीखने को भी मिलता है और दूसरा थोड़ा पैसा भी आपका सेव हो जाता है, दोनों काम है। तो मैं तो यार खुद ही से करता हूँ, तो आप कर सकते हो। CXO से जाके अपना टैक्स पेपर ले सकते हो आप, खाजे सोमेंशो जिसको बोलते हैं, खाजे नोजे जिसको बोलते हैं, वो ले सकते हो और अपने फोटोग्राफ वगैरह और अपने जिस भी कंपनी में आप काम करते हो वहाँ से अपना लेटर ले सकते हो कि हमारे साथ वो अब कंपनी अपने आप बता देगी। जब आपका वीज़ा का टाइम होगा तो आप कंपनी से खाली पेपर मांगोगे, अपने खुद दे देंगे आपको सारा का सारा कि टैक्स वगैरह क्या सब कुछ एक्सपेक्टेड क्या करता है आपका। तो आपको ये सब कुछ चाहिए होता है और बाकी कुछ नहीं चाहिए यार। बस यही था, इसमें यही इन्फॉर्मेशन थी टैक्स के बारे में, क्योंकि मैं गया था कब वीज़ा के लिए, तो मैंने कहा वाई नॉट क्यों एक ब्लॉग बना दूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाते रहना चाहिए, मैं बना नहीं रहा हूँ ज़्यादातर। तो कोशिश करूँगा यार ऐसी जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होगी अब आपको देता रहूँगा, जो भी दिखाऊँगा दिखाता रहूँगा। तो आई होप आपके लिए कुछ इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी और आपके कुछ काम आएगी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में। तो बस यही था यार, यही बताना था आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये मेरा फुल डे था वेडनेसडे से लेके अभी तक का, जो भी मैं अपने दोस्तों से मिला उसके बीच में सब कुछ मैं काम ही कर रहा था, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाओ, आपके पास आएंगी तो मन करता है करने। एक्चुअली क्यों वीडियो बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि यार लोग के इतने 10,000 सब्सक्राइबर हैं उसके आसपास हैं, बट इतने व्यूज़ भी नहीं आते, तो आपकी मेहनत कहीं ना यार वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आप एक हाथ से वीडियो बना रहे हो और एक हाथ से गर्मी में साइकिल लेके जा रहे हो, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी चीज़ें करना। तो यार समझ सकते हो आप, तो इसको शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करना मेरे भाई। चलो सायनारा, गुड नाइट, बाय बाय।